शहर के वार्ड नंबर 33 पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड पर बीते कुछ महीने पूर्व एक चाय की दुकान खोली गई, लेकिन वह धीरे धीरे हुक्का बार में तब्दील हो गई। एक दिन पूरे सोशल मीडिया पर इस हुक्का बार का वीडियो वायरल हुआ कि कैसे नाबालिग बच्चे यहाँ बैठकर हुक्के से धुआं उड़ा रहे, जिसके बाद पूरे शहर में चर्चा यही है कि चाय के नाम पर हुक्का का संचालन बंद किया जाए। इस हुक्का बार को बंद कराने के लिए शुक्रवार की सुबह वार्ड नंबर 33 के स्थानीय लोग एकजुट हुए और हुक्का बार संचालक से बात करने पहुंचे। इस दौरान महिला और पुरुषों की बहुत अधिक कहासुनी भी हुई। इससे यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई दी कि स्थानीय जन इस चाय की दुकान हुक्का बार से बहुत अधिक परेशान भी है। उनके द्वारा पहले भी यह दुकान बंद कराने की मांग दुकान के मालिक और चाय दुकान के संचालक से की गई थी। यही नहीं, बात तो यह समझ आई कि स्थानीय जनों के द्वारा कोतवाली थाने में भी इस पूरे मामले की शिकायत करवाई गई है, लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि इस दुकान के संचालक के परिजन स्वयं पुलिस विभाग में कार्यरत है, इसलिए कोतवाली पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह बात इस पूरे विवाद के दौरान स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। बावजूद इसके कि पुलिस खामोश है, स्थानीय जनों ने यहां तक आरोप लगाया कि शाम के समय सड़क से पैदल चलना और वाहन चलाना तक मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ पुलिस को नहीं मालूम, पुलिस की गाड़ी रोजाना यहां से गुजरती है और हॉर्न बजाकर अपना काम पूरा करके चले जाती है, बावजूद इसके कि इस चाय की दुकान पर हुक्का बार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देख बोले मेरे लड़कों को चमकाने आए थे, बोले थे तुमने बच्चों से बात करो, आप बड़े से बात कर रहे हैं ना, हमारी बहने जाते हैं, बहुत लोग आते हैं घर में, आने बताते हैं कि मतलब वहाँ पर इस तरीके का बैठा हुआ, मतलब ये एकदम शर्मसार जो मर्यादा का पुजारी है, क्या यहाँ धर्म मंदिर की मर्यादा लगता है जिससे यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यह सब कुछ पुलिस के साये में या कहे कि संरक्षण में संचालित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले के बाद स्थानीय जनों के द्वारा नगर पालिका के सीएमओ सतीश मर्सिनिया से मुलाकात की गई और उन्हें बताया गया कि किस तरह चाय दुकान हुक्का बार के संचालक के द्वारा अतिक्रमण करके दुकान संचालित की जा रही है। अब देखना यह है कि आखिरकार प्रशासन का अगला कदम क्या होता है, क्या वे इस चाय दुकान के नाम पर चल रहे हुक्का बार को बंद करवाती है या फिर इसे पूरी तरह संचालित होने देती है और स्थानीय जन इसी तरह से परेशान होते रहे। इस पूरे घटनाक्रम पर स्थानीय लोगों का क्या रुख रहता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा प्रश्न यहाँ भी उठता है कि इस दुकान में आखिरकार कहाँ के लोग चाय पीने आते हैं। तो यह जानकारी यही मिल रही है कि इस दुकान में शहर के अधिकांश स्कूली बच्चे पहुंचते हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो फिर एक बड़ा सवाल यहाँ भी होता है कि हमारे बच्चे चाय के साथ इस जहरीले धुएं की गिरफ्त में गिरते जा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि यहाँ सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ दिन दूर नहीं जब शहर में इस तरह की और भी कुछ चाय की दुकानों के नाम पर हुक्का बार खुल जाएंगे।
हमारे वार्ड नंबर 33 में पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड पे एक चाय का जायका करके एक दुकान खोलो या उसको रेस्टोरेंट बोलो या बार बोलो, तो वहाँ चाय का जायका के नाम पे चाय तो पिलाई जाती है लेकिन शाम को 8 बजे से रात के 11-12 बजे तक वहाँ हुक्का बार भी चलता है। अगर किसी का जन्मदिन होता है तो रात के 12 बजे वहाँ आते हैं और वहाँ केक काट के फटाके फोड़ के जन्मदिन मनाया जाता है। और हमारी जो औजपुरी कॉलोनी है, वार्ड नंबर 33 है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाका में शाम 8 बजे रोडों पर इतनी गाड़ियाँ होती है और लड़के स्टेट बाइट ये करते हैं और ये हुक्का पी के कॉलोनी में भी खाली प्लाट में या खाली जगह पे जाके लड़के लड़कियाँ ये करके कॉलोनी का माहौल खराब कर रहे हैं। इसको देखते हुए हम ही समस्त कॉलोनी वासियों ये शहर के सभी लोगों ने हुक्का बार का विरोध करने के लिए हम लोग नगर पालिका में गए थे, हटाने की मांग की है। उसके बाद हम लोग TI साहब के पास गए, आवेदन दिए और TI साहब ने और नगर पालिका से हमें कार्रवाई का आश्वासन मिला। परेशानी यह है कि जो ये हुक्का बार खुला है, चाय जायका के नाम से चल रहा है, अभी यहाँ पे छावनी भी है उसमें, यहाँ जब शाम के समय पूरे मोहल्ले वासी बाहरी लोगों से परेशान हैं, ये दुकान वाले हुक्का चलाते हैं, चाय पिलाते हैं, क्या करते हैं हमें पता नहीं, लेकिन नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसकी समझाइश हमने मकान मालिक को भी दे चुके हैं जो दुकान के मालक हैं, और दुकान संचालक को भी दिया है पूर्व में कि ऐसा न चलना चाहिए। पार्किंग व्यवस्था भी नहीं है, लड़के लड़कियों का बैठना, छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट पिलाया जाता है यहाँ पे। सेवकराम बिसेन है इसके दुकान मालक, सेवकराम बिसेन है। हम लोग चाह रहे हैं इसको हटाया जाए, ये वार्ड में अच्छा नहीं है, एक सभ्य कॉलोनी है, इसके अंदर अगर ऐसा होगा तो सारे माहौल बिगड़ जाएंगे।